This is all what I ate weekend edition. For breakfast मैंने खाए half boiled egg. If you like this consistency, here's a tip. पानी को full boil होने दो. उसके बाद ही eggs डालो exact 6.5 minutes के लिए and instantly cold water में डालो. To stop cooking process. For lunch मैंने बनाए थे डोसा वाले आलू. I was trying to make रवा चीला for the first time and it was a big fail. मैंने second बार फिर से try किया. It was better than before but not the best. Then I tried it for the third and the last time. And इस बार ये काफी पतला और crunchy बना था. आलू तो काफी tasty बने थे. And उसके साथ ये पापड़ वाला चीला भी काफी अच्छा लग रहा था। I was so tired after this कि इसके बाद मैं सोने चली गई। उसके बाद I took a shower and got ready. I decided to go गुरुद्वारा मत्था टेकने। This was my whole outfit. It was a quad set, पंजाबी जूती and a scarf. हवा काफी अच्छी चल रही थी। ट्रैफिक आज बिल्कुल नहीं मिला। ये गुरुद्वारा 15 मिनट्स की ड्राइव पे था हमारे घर से। बहुत ही ब्यूटीफुल गुरुद्वारा था, एकदम प्योर व्हाइट कलर का गुरुद्वारा दशमेश दरबार। There is a whole designated place for parking. फिर हमने मत्था टेका, वाक सुना एंड कड़ा प्रसाद लिया। आफ्टर दिस वी हेड टू लंगर हॉल। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक यहाँ 24 आवर्स लंगर चलता है। हमने लंगर छका और चाय और बिस्किट भी लिए। गेट दीज क्यूट लिटिल स्टील कप्स। उसके बाद वाहेगुरु जी को बाय बाय बोल के हम घर के लिए निकल आए। रस्ते में मैंने देखा ये वेयर हाउस, इनकी रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे काफी बार आ रही थी तो हमने सोचा चल के देखते हैं। हम एक ब्लेंडर और स्टीम आयरन लेने की सोच रहे हैं तो हम प्राइसेस कंपेयर करने चले गए। यहाँ पे आपको काफी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। आई रियली डोंट नो अबाउट द क्वालिटी बट प्राइसेस काफी ठीक लग रहे। परफ्यूम तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि इनका स्टे बिल्कुल भी नहीं था। आई एंडेड अप बाइंग अ बॉटल ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर एंड दैट्स ऑल। रात को मैंने थोड़ा सा सैलेड बनाया था। होप यू लाइक इट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।